मित्रों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित, भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन चार स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है, गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को लिए सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो चार आधार बनाए गए हैं वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना,